ओम शांति। अव्यक्त मूर्त बाप दादा के महावाक्य दिनांक 5 दिसंबर 1974। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। काल पर विजय दिलाने वाले सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनाने वाले बाप दादा बोले, अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलन होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं। क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरब या कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित न करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला वायदा है कि तुम्हें से सुनूं और तुम्हें से बोलूं, यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे? अर्थात वायदा निभा सकेंगे? सारे दिन में आप कितना समय ये वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति समय की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी, तभी यह वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है, वह अच्छी है, ये व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम अर्थात इसके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहो। जैसे पांव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं, मैं ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं, तो ऐसे अपना चित्र बनाओ। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्वेच्छा से अपने रचुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते, व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ, जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है? बीच में लटक जाएंगे ना। ऐसे ये स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहाँ चाहो जब चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय, तो काल पर विजयी बने हो। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की यह स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है।
प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण ने चार तत्वों पर विजय प्राप्त की है, उसमें काल भी दिखाते हो ना, जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफ़ी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व व्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। सोचते हो स्विच ऑन थर्ड फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर व फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गुमाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो वह निरंतर वायदा निभाना चाहते हो वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब तक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तभी विजयी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हरेक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहने वाले, लक्की सितारों व समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महावाक्यों का सार। पहला पॉइंट है, जब तक कोई कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जहाँ चाहो जब चाहो जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को स्थिति को सेट कर सको, ऐसे अधिकारी बने हो। काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त की है। तीसरा पॉइंट, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।